नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन, अरविंद केजरीवाल जी ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी कि वो इंसुलिन फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने किया। ईडी के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। तिहाड़ का वकील पेश हुआ, जो एलजी साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जो दलील रखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध किया, इंसुलिन की जरूरत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एम्स के डॉक्टर से बात करी है, एम्स के डॉक्टर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सही डाइट चार्ट फॉलो करेंगे, तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ना उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, और ना ही उनको इंसुलिन की जरूरत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने रखी। आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूं। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा, तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। वो उन्हें एम्स के किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे, एम्स के किसी डॉक्टर को तिहाड़ नहीं बुलाया था, किसी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया था। और जैसा कि कल हमने आपको उनकी चिट्ठी पेश करके सामने रखा, दो दिन पहले तक उन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट तक एम्स को नहीं रखी थी। तो सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया।